कोई पहल नहीं होती उनके पार्टी के द्वारा, तब तक उस पर टिप्पणी देना मैं समझता हूँ कि गलत है। जो समय पर नहीं पहुंचाने पर खराब भी हो सकती है और आवश्यकता वस्तु की जो कमी का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल ने जो जायजा लिया, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन में धनबाद से जुड़े हैं राजकुमार। राजकुमार, पूरा मामला क्या है, हिट एंड रन कानून को लेकर हर जगह पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? बिल्कुल, इस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर 3 दिवसीय हड़ताल का हम 2-3 बाइट भी भेजना है उसके दौरान हम कर लेंगे। बोले ना फोन कर लेने पीसीआर को, उसमें बाइट 2-3 है, चला जाएगा उसी में हम टेक कर लेंगे लाइव। झारखंड प्रदेश के कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज रांची पहुंच रहे हैं। ऐसे में राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की शानदार तैयारी की गई है और जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिखाई दे रही होंगी, उस फ्लैग को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं और तमाम मंत्री जो कांग्रेस कोटे से हैं वो स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर गए हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो इस झंडे को लेकर जो है पहुँचे हुए हैं और अब से कुछ देर में जो है कांग्रेस के नए प्रभारी हैं वो झारखंड पहुंच जाएंगे, रांची पहुंच जाएंगे और रांची पहुंचने के बाद वहां अगर बात किया जाए तो यहां पर आप शानदार तैयारी जो है, अब देखिए किस तरह से जो है
तैयारी की गई है, तमाम जो है गाजे बाजे के साथ, और तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं, और कांग्रेस के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गुलदस्ता हाथों में लिए हुए हैं, और इंतज़ार हो रहा है गुलाम मोहम्मद मीर का। जब वो पहुंचेंगे तब उनका स्वागत किया जाएगा। और देखिए, आप इन कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर समझ सकते होंगे कि कितना जो है बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है गुलाम मोहम्मद मीर का। नए प्रभारी बनाए गए हैं, इससे पहले अविनाश पांडे थे, हालांकि अविनाश पांडे को नई जिम्मेवारी दे दी गई है, उसके बाद जो है नए प्रभारी के रूप में जो है गुलाम अहमद मीर को नियुक्त किया गया है। और अभी कुछ देर में ही जो है वो बाहर निकलेंगे, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, अभी जो राजनीतिक हलचल चल रही है झारखंड में उसको लेकर उनको उनका क्या कुछ कहना है। तो तमाम बातें हैं जो कहने कहीं उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है झारखंड में जो है एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसे किया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं कई बातें जो है निकल कर सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही हैं, जिसका कहीं ना कहीं जवाब लेने की कोशिश भी हम करेंगे, क्योंकि नए प्रभारी बनाए गए हैं, ऐसे में उनकी भी जो है एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होगा उनके लिए जब झारखंड में वो पहुँच रहे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और कांग्रेस के भी कई मंत्री हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक भी होने वाली है, तो विधायक दल में जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें भी इन बातों को लेकर चर्चा की जाती है, की जा सकती है। अब देखिए, तमाम जो है कार्यकर्ता आपको गाजे बाजे के साथ यहाँ पर मौजूद दिखाई देंगे, और आपको ये ध्वनि जो है सुनकर समझ सकते हैं किस तरह से स्वागत तैयारी की गई है। और हम उन कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और जिन्होंने ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो खड़गे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका झंडा लेकर पहुँचे हैं, उनका क्या कहना है उनसे जान लेते हैं। अभी आप ही लोग झंडा लेकर पहुँचे हैं, प्रभारी है, बात कीजिए। अच्छा, नए प्रभारी आज आ रहे हैं, गुलाम अहमद नए प्रभारी आप लोग के आ रहे हैं, काफी अच्छा सा अपना झंडा। क्या बोले? गुलाम अहमद मीर जो कि नए प्रभारी है प्रदेश के, आए हुए आप लोग काफी जोश खरोश के साथ स्वागत करने के लिए पहुंचे, क्या कहते हैं? देखिए, आप लोग को पता है कि यूथ हमारा कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से झारखंड पे, देश पे हमेशा गरीब दलित पिछड़ों के लिए हमेशा लड़ते आ रही है। गुलाम अहमद साहब जो है हमारे एक संदेश देने काम किया, हमारे नेता राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि एक साधारण से ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए आदमी आज जो है हमारे इस राज्य के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय कमेटी में है, तो कांग्रेस में जो निष्ठा के साथ उनको सबको सम्मान मिलता है, और हमारे प्रभारी जी जो है काफ़ी मजे हुए हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। हम लोग का निस्संदेह जो उनके आने के बाद झारखंड में हमारा कांग्रेस जो है वो और मजबूत होगा, और उसका जो है सामने नतीजा 24 चुनाव में देखने मिलेगा। झंडा लाने का कोई विशेष? ये हमारे यूथ कांग्रेस का झंडा है, यूथ कांग्रेस सब लोग जानते हैं, जब कांग्रेस का हमारा रीढ़ है युवा कांग्रेस, जब कांग्रेस का किसी भी बड़े लक्ष्य में कांग्रेस उतरा है उसका मजबूती से दोनों बाहों का काम जो है वो हमारे युवा कांग्रेस ने करने किया है, और आज भी उस कहीं ना कहीं ये जो भीड़ को देख रहे हैं आप, ये इसे देख के आप समझ सकते हैं कि यूथ कांग्रेस कांग्रेस के लिए क्या क्या दिशा मायने रखता है, आप खुद देख समझ सकते हैं। एक्टिविटी जो चल रही है कांग्रेस के लेकर अगर बात करें, राज्य की एक्टिविटी से आप लोग अवगत हैं? क्या बोले? राज्य में जो एक्टिविटीज चल रही है उससे अवगत है? क्या चल रहा है? राज्य में जो एक्टिविटीज चल रही है ईडी की कार्रवाई संबंधित, उससे अवगत है आप लोग? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सरकार है ये पहली बार जो है आम जनता की राज्य सरकार बनी है, इससे पहले जो रघुवर दास थे वो लूट खसोड़ की सरकार थी, वो छत्तीसगढ़िया सरकार थे, अभी जो है ये जल जंगल जमीन की सरकार है, ये आम जनता की सरकार है। हमारे प्रभारी जी आ गए हैं, हम चाहेंगे कि जो है हम लोग अपना तो तमाम स्वागत की तैयारी की गई है। और देखिए, रांची के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है स्वागत की तैयारी की गई है। गुलाम अहमद जो कि प्रदेश प्रभारी हैं, नए प्रदेश प्रभारी हैं, वो पहुँच रहे हैं, ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी की गई है। कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रांची के एयरपोर्ट से, जहाँ कुछ देर में जो है गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के नए प्रभारी हैं वो
पहुंच रहे हैं, नई जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं वो भी बड़ी संख्या में जो है पहुंचे हुए हैं। तमाम मंत्री हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर गए हुए हैं उनके स्वागत के लिए, और जो विधायक कई सारे हैं वो पहुँचे हुए हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर वो पहुँचे हुए हैं स्वागत के लिए। और देखिए किस तरह से हाथों में गुलदस्ता लिए हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि उनका स्वागत गुलदस्ता और फूल मालाओं के साथ किया जा सके। तो ये राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर गुलाम अहमद मीर जो कि कांग्रेस के नए प्रभारी। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।